बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट है कॉम्बिनेटरिक्स, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। कहता है कि आप ऐसी टर्म फाइंड करें जिसमें एक्स एक्स से इंडिपेंडेंस हो, यानी एक्स ना हो। जनरल टर्म हो बाइनोमियल थ्योरम, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर आर। अगर आप देखें तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक्स प्लस वाई की पावर एन। इनको कंपेयर करें, ये एक्स के इक्वल है और ये वाई के इक्वल है और ये किसके बराबर है, एन के। ये वैल्यू मैंने ले ली, इसको एक नंबर पुट करेंगे आप इक्वेशन वन में। आप इसको एक्सपेंड कर लें, एक्स की पावर 10 माइनस आर और माइनस टू की पावर अलग कर लें और एक्स की वैल्यूज़ को आप अलग कर लें। अब आप देखें ये दोनों जगह पे एक्स आ रहा है, आप बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर लें। देखिए हमने टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स मौजूद ना हो, इसका मतलब एक्स की पावर जीरो। आप इन दोनों को कंपेयर करें, इसका मतलब 10 - 2 r इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो पुट इन इक्वेशन टू, जब आप इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो एक्स की पावर क्या आ गई, जीरो। तो एक्स की पावर जीरो क्या होती है, 1। देखें जी एक ऐसी हमारे पास ये 6 टर्म, एक ऐसी टर्म है जिसमें आपके पास एक्स मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग वाई की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ। कहता है आप ऐसी टर्म फाइंड करें जिसमें वाई की पावर 3 हो, जनरल टर्म हो बाइनोमियल थ्योरम। इसको आप कंपेयर कर लें एक्स प्लस वाई की पावर एन से, ये एक्स के इक्वल है, ये वाई के इक्वल है और ये एन के इक्वल है। तो वैल्यू फार्मूले में पुट कर दें, उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर लें। यहाँ देखें हमने y की पावर 3 फाइंड करनी है, यहाँ y की पावर क्या है, r/2। तो इन आप दोनों को आप कंपेयर करें तो ये आ जाएगा r/2 इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 6। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो वहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखें ये हमारे पास जो टर्म 4 है, एक ऐसी टर्म है जिसमें y की पावर क्या है, 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन। आपने क्या फाइंड करना है, एक्स की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट जो जो इसका मल्टीपल है वो फाइंड करेंगे। जनरल टर्म और बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई कर दी, उसके बाद आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक्स प्लस वाई की पावर एन। इनको आप कंपेयर करें, ये एक्स के इक्वल, ये वाई के इक्वल और ये एन के इक्वल। तो ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, उसको एक्सपेंड कर लें। ये देखें ये भी एक्स एक्स की पावर है और ये भी एक्स की पावर, दोनों बेस सेम है तो पावरों को आप ऐड कर लें। हमें चाहिए एक्स की पावर 5 का कोफिशेंट, हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 20 - 3 r। इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, 20 - 3 r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ की r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। आप देखें हमारे पास एक ऐसी टर्म आ गई जिसमें x की पावर 5 है, तो ये जो उसका मल्टीपल है ये क्या कहलाएगा, कोफिशेंट। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, वट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 वाई की पावर 9 इन द एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, तो जनरल टर्म और बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमारे पास क्या, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। हमारे पास है एक्स प्लस वाई की पावर एन, कंपेयर करें, ये एक्स के इक्वल, ये वाई के इक्वल और ये एन के इक्वल। तो आप क्या करें, इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब हमारे पास एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। देखें x की पावर 8 चाहिए और y की पावर आपको 9 चाहिए। बेशक आप x की पावर को आपस में कंपेयर कर लें या y की पावर्स को आपस में कंपेयर कर लें, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। अब आपके पास r की, जैसे मैंने कंपेयर किया y को, यहाँ देखें r इज इक्वल टू 9। तो आप ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, कोफिशेंट, एक्स की पावर 8 और वाई की पावर 8 का ये क्या है, कोफिशेंट है। अगर आप देखें, अगर आप एक्स को कंपेयर कर देखें फिर भी आंसर वही आएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू 17 - r इज इक्वल टू 8, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17 - 8। तो देखें r अगेन 9 है।